नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये प्रॉपर्टी अपने जयपुर शहर में कालवा रोड ओम वाटिका हाथोज के अंदर है और प्रॉपर्टी जो है 100 गज के अंदर बनी हुई है, 20x45 के डायमेंशन में है। साथ ही अगर बात की जाए इस प्रॉपर्टी की जो है फेसिंग की, तो ये ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है जो कि आप देख पा रहे हैं, सिप्लेक्स ये प्रॉपर्टी होने वाली है। फ्रंट एलिवेशन आप देखिए, सिप्लेक्स मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई है। 2BHK प्रॉपर्टी है, 100 गज के अंदर है। आसपास की पूरी लोकेशन देख लीजिए कैसी होने वाली है, लोकेलिटी कैसी होने वाली है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी है। अगर बात की जाए यहाँ से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की, तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। यहाँ से अगर बात करूँ अम्यूनिटीज़ की, तो अम्यूनिटीज़ जो आपको पास में मिल जाती है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बिल्कुल नियरेस्ट मिल जाता है। यहाँ से पास में आपको पैरामाउंट, श्री कल्याण और साथ ही और भी आसपास में बहुत सारी स्कूल्स हैं जो कि आपको बहुत नियरेस्ट मिल जाती है। मेन मार्केट की बात की जाए तो वो भी आपको 500 से 400 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बर्म एरिया है, बर्म एरिया से होते हुए सीधे हम लोग चलेंगे इस खूबसूरत प्यारे से 2BHK सिप्लेक्स की ओर। लेकिन देखिए प्रॉपर्टी जो है सोसाइटी पट्टे के साथ में है और 100 गज के अंदर बनी हुई है। और साथ ही अगर आप भी एक सिप्लेक्स डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको दोनों तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ में आने वाली है। वीडियो कुछ इस तरीके से मेन एंट्रेंस पे डोर आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी मेटल के साथ में आपको दिया गया है। यहाँ पर आता है बड़ा सा पार्किंग का स्पेस और पार्किंग इतनी बढ़िया दी गई है कि आपकी एक छोटी गाड़ी इजिली आप पार्क कर सकते हैं और साथ ही वाटर टैंक प्रोविजन है। बाहर से आपको स्टेयर्स दी गई है, इन फ्यूचर कभी भी आप जो है ऊपर वाले पोर्शन को जो है कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट भी आप इजिली कर पाएंगे क्योंकि स्टेयर्स बाहर से दी गई है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है लोबी का स्पेस, जहाँ पर कि अपने गमले वगैरह लगा करके जगह को खूबसूरत और बना सकते हैं आप। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से 2 स्टेप स्टेयर चढ़ के सीधे हॉल के अंदर हम लोग एंटर करेंगे, लेकिन देखिए बाहर से स्टेयर्स आपको मिल जाती है। देखिए प्रॉपर्टी के वीडियोस मैं आपके लिए प्रॉपर लेके रखे आता रहता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी के वीडियोस आप प्रॉपर पूरे देखिए कीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या कुछ कैसे कैसे होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, तो आपको सारा आइडिया हो जाता है। यहाँ पर आता है हॉल, हॉल का जो साइज़ है वो 13x15 के साइज़ में स्पेशियस साइज़ आपको मिल रहा है। कुछ इस तरीके से देखिए बड़ा साइज़ आपको दिया गया है, जहाँ पर आपका लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों साइड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में है फुल सीलिंग का वर्क, जहाँ पर कॉप एंड कंसील लाइट्स वगैरह लगी हुई है। और इस साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सामने की साइड में आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा इस तरफ, और ऊपर की साइड से आपको वेंटिलेशन का स्पेस भी मिल जाता है। आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है इसका बाथरूम, जो कि कॉमन बाथरूम यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है। कुछ इस तरीके से बाथरूम आपको मिल रहा है देखिए, और ऊपर वहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। इस साइड में आ जाता है आपको सेपरेट एक और बाथरूम, जो कि इस तरफ आप देख लीजिए कैसा होने वाला है। ये भी काफ़ी स्पेशियस साइज़ में आपको मिल रहा है, टाइल्स वर्क काफ़ी अच्छा है और साथ ही वेंटिलेशन का स्पेस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। किचन की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो किचन का जो साइज़ यहाँ पर होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा खासा साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए यह आती है एल शेप में किचन, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है। कैबिनेट्स प्रॉपर मिल जाते हैं, साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पर पीछे विंडो, जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर बना रहेगा। साइज़ है 6x8 किचन का, बहुत स्पेशियस अच्छा साइज़ है। यहाँ पर आता है इसका बड़ा सा बेडरूम, जो कि इस तरफ आपको दिया गया है, पहला बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क है। साइज़ की अगर बात की जाए रूम की, तो रूम का जो साइज़ है वो 14x13 है। सामने आपको वॉलपेपर है, इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बैकयार्ड का एरिया, जहाँ से कि आपका वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट बना रहेगा। देखिए इस एरिया को आप जो है वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह किसी प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको वार्डरोब है, वार्डरोब का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है, और साथ ही ये है इसका बेडरूम जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ में आपको मिल जाता है। प्रॉपर्टी ओम वाटिका हाथोज कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट करना, तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। 10x12 के साइज में बेडरूम है, बेडरूम का साइज काफ़ी स्पेशियस। इस तरफ आपको वॉलपेपर है, देखिए वॉलपेपर कैसा है, और AC का सेपरेट पॉइंट है। 32,50,000 इसका प्राइस होने वाला है। और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं फुल सीलिंग का वर्क दिया गया है, जहाँ पर कॉप एंड कंसील लाइट्स वगैरह लगी हुई है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो, जहाँ से आपका प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिल रहेगा, और एक अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छी लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। आज जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, ये प्रॉपर्टी हमारे जो है मैं 20x45 के डायमेंशन में बनी हुई है, 100 गज के अंदर है, ओम वाटिका के अंदर लोकेटेड है, हाथोज के अंदर, और प्रॉपर्टी 2BHK सिप्लेक्स होने वाली है। अगर आपका भी बजट जो है वो 32 लाख रुपये का है, तो प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोन की, तो लोन यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पे आपको 80% हो जाएगा, 20% आपके पास में पैसा होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। अभी देखिए हम आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सोसाइटी पट्टे में है तो क्या लोन हो जाएगा, बिल्कुल लोन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं होगा, प्राइवेट बैंकों से लोन होगा।
अभी आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही क्वेरी करते हैं कि ये जयपुर में कहाँ पर है, तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, वहाँ जा करके भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। 100 गज में अच्छा मकान, एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहते हैं, कॉल कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। प्राइस बता चुका हूँ, 32,50,000 रुपये इसका प्राइस होने वाला है। साथ ही अगर आप जयपुर शहर में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, फ्लोर प्लान वगैरह चाहते हैं, तो भी आप जो है कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमारे AR होम्स के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।